एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबे शाहिद एंड आई एम हियर टुडे एट अजोका थिएटर इंटरनेशनल फेस्टिवल, जिसका जो थीम है वो दोस्ती है। और इस फेस्टिवल का आगाज़ आज से यानी कि 9th of November 2024 से होना था, जहां पर 11 मुल्कों से लोगों ने आना था पाकिस्तान में आर्ट को, कल्चर को, थिएटर को प्रमोट करने के लिए। यहां पर बेशुमार परफॉर्मेंसेज होनी है जो आज हम आपको दिखाएंगे, और आपकी मुलाकात कुछ सितारों से, कुछ फनकारों से भी करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल की तरफ। We have one of the finest actors from our Pakistani media industry, Saveera Nadeem, with us. Assalamu alaikum, Saveera. Walaikum assalam. Saveera, जो अजोका थिएटर ने पाकिस्तान में आर्ट को, कल्चर को, थिएटर को स्पेशली प्रमोट करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? जाहिर है जो भी चीज़ पीस और प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को इनक्रेज करती है तो उसकी तो तारीफ ही है, और ये एंटरटेनमेंट भी है साथ में, लोगों के लिए एक क्वालिटी एंटरटेनमेंट है पीपल ऑफ दिस सिटी। और ऊपर से हमारे हिस्टोरिक लाहौर सिटी में हो रहा है फेस्टिवल, और बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे हैं, वो वैसे इतना अच्छा लगता है कि एक लव ऑफ थिएटर एंड लव ऑफ आर्ट के लिए लोग अपना सपोर्ट एक दूसरे को शो कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी, इट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ होप, और इट्स जस्ट एन एंजॉयबल टाइम फॉर अस। सवेरा जी, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है अजोका का, इसका जो थीम है वो दोस्ती है, तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं और किस पर्पस के तहत ये नाम रखा गया? बहुत सोच समझ के ये नाम रखा गया था दोस्ती, बिकॉज यही हमारा मकसद है कि इंसान किसी भी कोने में रहता हो दुनिया के, लेकिन आपकी जो इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी है, वो आपका एक कनेक्शन है। टू फाइंड दैट कॉमन ग्राउंड एंड टू बी हैप्पी इन इट, टू रिजॉइस इन इट, दैट इज़ द थीम ऑफ द फेस्टिवल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजोका थिएटर शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, फाइनली इट हैज़ बिगन, लाइक हम देख रहे थे कि बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, हाउ एक्साइटेड आर यू? जी बाहर का अनफॉर्चुनेटली आजकल लाहौर का समा अच्छा नहीं है, लेकिन हॉल बंद अलहमरा में समा बहुत ही अच्छा है, समा की मौजूदगी की वजह से भी, और जो एक आर्ट और कल्चर की एक बज है, और हमारे मेहमान दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं और कराची से भी आए हैं, और एक इब्तिदा है, हमें उम्मीद है कि एक कामयाब फेस्टिवल 9 रोज़ा होगा जिसमें थिएटर के ज़रिए दोस्ती को फ़रोग दिया जाएगा। अच्छा सर, टेल अस अबाउट द थीम दोस्ती, क्या सोचकर आपने ये टाइटल डिसाइड किया? देखिए जी, थिएटर तो है ही टीम वर्क, क्योंकि अकेले वन पर्सन परफॉर्मेंस जो है वो उसको हम थिएटर नहीं कहते, तो थिएटर है टीम वर्क, मिलके आप लिखते हैं, रिहर्स करते हैं, मिलके बाव करते हैं और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो थिएटर के ज़रिए दोस्ती को, डायलॉग को, अमन को बहुत अच्छे तरीके से और शगुफ्ता तरीके से पेश किया जा सकता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो मामलात बड़े गंभीर हों, फिर भी उनको एड्रेस करने के लिए, मकालमे के लिए म्यूज़िक है, ह्यूमर है, सस्पेंस है, थ्रिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थिएटर इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर दोस्ती। सर, आप मीडिया में काफ़ी अरसे से, हम आपको बहुत सारे ड्रामास वगैरह में भी देखते हैं माशाल्लाह, सो मैं चाहूँगी कि आप थिएटर की क्या अहमियत है वो लोगों को ज़रा बताएं। देखिए, थिएटर की इतनी ज़्यादा अहमियत है, लाइव थिएटर एक वाहिद ऐसा ज़रिया है जिसमें ड्रामा करने वाला और ड्रामा देखने वाला का एक इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है और वो उसके मुताबिक अपना इम्प्रेशन लेके जाता है। ना टेलीविज़न, ना रेडियो, ना फिल्म, किसी में भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका इम्पैक्ट और इसकी अहमियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और जाहिर है कि कहने की बात तो लिखने वाला जैसा थिएटर लिखेगा उसके मुताबिक होगी, लेकिन पैगाम पहुँचाने का सबसे मजबूत ज़रिया ये है। अच्छा सर, अजोका ने जो आर्ट को, कल्चर को, थिएटर को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? जाहिर है बहुत तारीफ़ करता हूँ मैं इसकी, बहुत हिम्मत है इनकी, और ये हमारे उस कारवान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने थिएटर की, लाइव परफॉर्मेंस की कारवान को आगे बढ़ाया, जिसमें मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ अली ताज, रफ़ी पीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन, और यहाँ पे पेशावर में मिसार बॉटल थी वो उन्होंने, और आगा बाबर ने, और इस खादिम ने,
बड़ी कोशिश की कि ये आगे बढ़े। गो ज़्यादा हमें पज़ीराई शुरू में नहीं मिलती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघली और लोगों की समझ में आने लगा कि ये तो एक आपके माशरे का नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप थिएटर को नहीं जानेंगे और इस तरह से आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आप अपनी तहजीब से अलहदा होते चले जाएंगे। अरविंदर चमक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया के मशहूर राइटर हैं, शायर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरविंदर साहब, ये जो अजोका थिएटर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है थिएटर को, आर्ट को, कल्चर को प्रमोट करने का, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये एक इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस खत्ते में, ख़ास करके उस खातून की, जिस वक्त पूरी दुनिया में एक मुआशरे को दबाया जा रहा है और एक औरत खड़ी होती है मुआशरे को मुआशरे की अक्कासी करने के लिए, दिखाने के लिए। मदीहा गौहर, जिसका ये ब्रेन चाइल्ड था, 40 साल पहले एक चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है और मुआशरे की वो खूबियाँ वो खामियाँ वापस मुआशरे को देने का जो वो एहतमाम करती है, और फिर वो पाकिस्तान से निकलती हुई बरए सगीर में पहुँचती है हिंदुस्तान, फिर श्रीलंका और बहुत से ऐसे ममालिक में, एक जो पहचान बनाती है, जो बात बताती है, वो मुआशरे में एक रोशनाई का काम करती है। और वही काम अजोका ने 40 साल की कंसिस्टेंसी से वो किया हुआ है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है, मुझे इस बात का एजाज़ है कि पिछले तकरीबन 26 साल से मैं अजोका के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं आई कम फ्रॉम एन इंडस्ट्री जहाँ पे मैं खुद भी थिएटर करता हूँ, जहाँ पे मैं थिएटर ड्रामे लिखता भी हूँ और प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ, एक्ट भी करता हूँ। और हमने मिलके जनानी फेस्टिवल में और ऐसे बहुत से ऐसे फेस्टिवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें क्योंकि हमारी लैंग्वेज, हमारा दुख, हमारा सुख, हमारी खुशियाँ, हमारी गमियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी ताकतें एक जैसी हैं और ज़ुबान का कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि थिएटर के लिए ज़ुबान एक सिंपल मीडियम है, आप बिना ज़ुबान के भी थिएटर करते हैं, और हमने किए हैं, और हमने ऐसे थिएटर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें हमने ज़ुबानों को इस्तेमाल ही नहीं किया, एक्शन और जेस्चर्स के साथ हमने उसको अक्कासी की है उन थिएटर्स की। तो ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस खत्ते में और मुझे हर साल इसमें आने का एक शर्फ हासिल होता है। इस दफ़ा मई में मैं आया था जब इन्होंने 40 साल पूरे किए, अब इस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में जिसमें बहुत से ममालिक से टीम्स आके यहाँ पे काम करेंगी, प्रेजेंट करेंगी, तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक अच्छी और बहुत अच्छी बात होगी कि वो उन मुल्कों की अक्कासी देख सकते हैं, उन मुआशरों को यहाँ पर देख सकते हैं जिनको वो वैसे वहाँ पर जाके नहीं देख सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि शाह नदीम और ये अजोका की जो पूरी टीम है, एफर्ट है, ये काबिल तारीफ़ है।